हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार बच्चों। ये पहले जो आपको बात कर चुके हैं हम, लगभग बहुत सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। अभी जो आपको करना है वो क्या है, कंपैरिजन है ईएमएफ का। दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, या यूँ कहें कि अगर एक हमारे पास ऐसा सेल हो जिसका ईएमएफ हमें पूरी तरह मालूम हो, अच्छी तरह प्रिसाइजली उसको स्टैंडर्ड की तरह मान करके रखा गया हो, मालूम हो, तो दूसरे सेल का ईएमएफ कंपैरिजन के जरिए हम मालूम कर सकते हैं। ओके, सो इफ स्टैंडर्ड सेल इज गिवन ऑफ नोन ईएमएफ, प्रिसाइजली नोन ईएमएफ, देन वी कैन फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ अनदर सेल विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन। सो पर्पज ऑफ दिस कंपैरिजन इज हियर। ओके, सो इसके लिए सर्किट क्या दिया हुआ है, बहुत कुछ नया नहीं है। जो पहले आपको पिछले सर्किट में आपको बात हुई थी वीडियो में कि एक्सपेरिमेंटल सेल का पॉजिटिव पोटेंशियोमीटर वायर के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव कहाँ गैल्वेनोमीटर में लेके आते हैं। यहाँ एक रेजिस्टेंस बॉक्स वैसे भी है, बस नया क्या हो गया, नया आयोग के दो सेल यहाँ पर हो गए। काम वही करना है, सेल के ईएमएफ से ए और जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस काउंटर बैलेंस करना है, बैलेंस पॉइंट की पोजीशन नोट करनी है। ऐसा होने पर जो बैलेंस ए और जे के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इस वायर के इस एंड से यहाँ है ना, ये तो ग्रेजुअली कांस्टेंट यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूस वायर है ना, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ जे तक, अगर जे पर बैलेंस पॉइंट मिला है तो ए और जे के बीच पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो डिफरेंस क्या होगा, वी ए जे दिस इज इक्वल टू के एल। अगर ये एल है, यहाँ इतना पूरा मिला के एल है तो के एल। इस वीडियो को पूरा समझने के लिए, इस प्रोसेस को समझने के लिए, अगर थोड़ी डाउट वाली चीज़ जहाँ होती है तो इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर उसको ध्यान से देख लीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। पूरी चीज़ें उसमें बता रखे हैं, बस यहाँ पर एप्लीकेशन बस सीधे करने जा रहे हैं। और ये एक एक्सपेरिमेंट भी है, कंपेरिजन आपके 12th के सिलेबस का एक एक्सपेरिमेंट भी है। तो वैसे भी ये इम्पॉर्टेंट है, दो दो जगह एग्ज़ाम में भी लगभग तय है कि इधर से कुछ ना कुछ आता ही है, और यहाँ पर भी है, एक्सपेरिमेंट में भी है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या किया कि दोस्त से आपने जिनको कंपेयर करना है जिनके ईएमएफ को, उनको लिया, यहाँ यहाँ कनेक्ट कर दिया, और ये ए से दोनों के पॉजिटिव को ए से कनेक्ट कर दिया, और नेगेटिव दोनों क्या किया, इसको टू वे की, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ना, ये 1 2 3 लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर क्या है, टू वे की। ये इसलिए है कि एक बार प्लग यहाँ पर 2 और 3 के बीच इंसर्ट कर दें तो सेल 1 2 के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंस पॉइंट ले आएंगे, उस समय सेल 1 क्या होगा, डिस्कनेक्टेड रहेगा, यहाँ पर प्लग नहीं लगाएंगे, प्लग की है ये सब, तो यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे तो बस ये सेल एप्सिलॉन 2 ईएमएफ वाला सेल कनेक्ट हो जाएगा और उसके लिए बैलेंस पॉइंट मिल जाएगा। और इसको की को निकाल करके अगर हम 1 और 3 के बीच इंसर्ट कर देंगे तो 2 इस रास्ते से हट जाएगा, एप्सिलॉन 1 वाला जो 1 सेल है, एप्सिलॉन 1 ईएमएफ वाला है, वो इस रास्ते में आ जाएगा, अब जो हम बैलेंस पॉइंट लेंगे वो इसके लिए मिलेगा। तो यही करना है, तो जहाँ कहाँ कहाँ बैलेंस पॉइंट मिलते हैं उन्हीं का यूज़ कर लेना है। तो आइए फिर हम देखते हैं इस चीज़ को। ये देखिए, ये जो यहाँ पर सो फॉर कंपैरिजन, ओके, फॉर कंपैरिजन क्या दिया हुआ है, सर्किट इज गिवन इन द फिगर। इन द फिगर, ये ऐसा फिगर आपको दिया हुआ है, जहां पर क्या करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल्स
फिर वही पोटेंशियोमीटर वायर के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर देते हैं। सो पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ बोथ सेल्स आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर तो फिर क्या होगा? पोटेंशियोमीटर वायर यहां हो गया पोटेंशियल, और उसके बाद फिर क्या करते हैं? नेगेटिव टर्मिनल्स को क्या करते हैं? इसके टू वे की के थ्रू गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं, एंड नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर के थ्रू टू वे की। लेकिन क्या होगा? एक टाइम पर एक ही सेल कनेक्टेड होगा गैल्वेनोमीटर से, तो ओनली वन सेल इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर एट अ टाइम। ओनली वन एक्सपेरिमेंटल सेल इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर एट अ टाइम। तो एक बार में एक ही सेल कनेक्ट होगा, उसके लिए बैलेंस पॉइंट भी लेंगे। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं प्लग की क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं किसमें? वन और थ्री के बीच। तो सर्किट में कौन सा सेल आ जाता है? वन। सपोज क्या कर रहे हैं अपन, फर्स्ट प्लग इज इंसर्टेड बिटवीन वन एंड थ्री, है ना, वन एंड थ्री इनके भी इंसर्ट करते हैं। देन सेल ऑफ EMF epsilon 1 comes in the circuit। अब इसके लिए हम बैलेंस पॉइंट ले आएंगे। नाउ बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय काउंटर बैलेंसिंग EMF epsilon 1 with potential difference between A and G, ठीक है, ऐसी पोजिशन खोजते। वन लाइन मोर शुड बी देयर, जॉकी इज मूव्ड ओवर द वायर इज मूव्ड ओवर
द वायर ओके एंड बैलेंस पॉइंट सो यहां से ऐसा तो ए और सी के लिए तब क्या हो जाएगा देन और कुछ तो होगा नहीं. लूप कौन सा बन रहा है देखिए लूप कौन सा बन रहा है ए एप्सिलॉन वन वन थ्री जी जे और ऐसा होते हुए क्या हो गया ए देन इन द लूप कौन सा ए एप्सिलॉन वन वन थ्री जी जे ए एप्सिलॉन वन वन थ्री जी जे एंड ए ये लूप बना. कहाँ कहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है एक तो यहाँ हो रहा है यहाँ कोई ड्रॉप नहीं यहाँ कोई ड्रॉप नहीं बैलेंस कंडीशन में यहाँ कोई ड्रॉप नहीं यहाँ कोई ड्रॉप नहीं यहाँ ड्रॉप है यहाँ हाइयर है यहाँ लोअर है तो ये हो जाएगा इधर. सो क्या हो जाएगा फिर सब जीरो इन बैलेंस कंडीशन इन बैलेंस पोजीशन कंडीशन बैलेंस्ड कंडीशन. बैलेंस कंडीशन क्या हो गया उधर से आते हैं यहां से फर्स्ट माइनस सेकंड इनिशियल माइनस फाइनल करते हुए आते हैं. सो एप्सिलॉन वन यहां पर जीरो यहां जीरो फिर इसके बाद क्या होगा जीरो फिर क्या हो जाएगा वी ए जी ठीक माइनस वी ए जी ऐसा हो जाएगा इक्वल्स जीरो. बस इनिशियल माइनस फाइनल इनिशियल माइनस फाइनल करते हुए आएंगे तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो ये हायर है लोअर है ये लोअर है हायर है तो माइनस ए जे तो वी ए जे ऐसा कुछ होगा और एप्सिलॉन वन इक्वल्स वी ए जे और एप्सिलॉन इक्वल्स व्हाट के एल वन इफ बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेंड एट एल वन. सो एल वन इज व्हाट पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट पॉइंट ओके किसके लिए व्हेन एप्सिलॉन वन इज कनेक्टेड. अब क्या होगा इसी तरह से हम क्या करेंगे ये वन है और इसी तरह से क्या करेंगे टू के लिए जब ये की क्या हो इंसर्ट कर दें किसमें थ्री और टू के बीच में ठीक है. नाउ प्लग इज रिमूव्ड फ्रॉम द गैप ऑफ वन एंड टू वन एंड थ्री एंड देन इंसर्टेड एंड देन इंसर्टेड बिटवीन थ्री एंड टू थ्री एंड टू तब क्या हो जाएगा. सो वी गेट बैलेंस पॉइंट देन वी गेट बैलेंस पॉइंट ओके से एट एल टू एल टू पर बैलेंस पॉइंट मिलता है तब फिर क्या हो जाएगा देन डायरेक्टली वी कैन राइट ओके देन एज अर्लियर क्या कर सकते हैं ओके एज प्रीवियस केस ठीक वी हैव एप्सिलॉन टू इक्वल्स के एल टू के क्या है के आपका
पोटेंशियल ग्रेडियंट है, के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो अब क्या हो जाएगा, अब इनसे देखिए सीधे इक्वेशन वन और टू से क्या मिल जाएगा आपको, इक्वेशन वन एंड टू, देन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू देन फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन वन डिवाइड बाई एप्सिलॉन टू इक्वल्स एल वन बाई एल टू, दिस इज रिजल्ट फॉर विच वी आर डूइंग हियर। सो दिस इज कंपेरिजन एंड सिमिलरली इन द सेम वे यू हैव टू डू इन एक्सपेरिमेंट्स कैसे कंपेयर करना है। अगर इसमें वन सेल का ई एम एफ मालूम है, प्रिसाइजली नोन है, तो क्या करेंगे, दूसरे सेल का ई एम एफ भी हम क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, इफ ई एम एफ ऑफ वन सेल इज प्रिसाइजली नोन या हम क्या कह सकते हैं, प्रिसाइजली नोन या अप टू हायर लेवल ऑफ एक्यूरेसी देन फिर क्या हो जाएगा, देन ई एम एफ ऑफ सेकेंड सेल अदर सेल कैन बी कैलकुलेटेड ईजिली एक्यूरेटली कैन बी डिटर्मिंड। ओके, एक्यूरेटली, तो ये हो गया रिजल्ट आपके लिए। ये इसे एक्सपेरिमेंट भी है और एक मेथड है, ये प्रोसेस है, तो इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत काम का है, इम्पॉर्टेंट भी है। तो उम्मीद करते हैं आप देखेंगे, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिए, आप हम तेज़ी से बढ़ेंगे आगे सिलेबस की ओर। और अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप वीडियो को शेयर करिए, आप कमेंट भी करिए, और अपने जो सुझाव हो हमारे तक पहुँचाइए। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, आपको 7 दिन बने रहने के लिए ऑल द बेस्ट।